बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज हम बात करेंगे जंबो टेक्नोलॉजी के बारे में, साथ में ही अन्य कंपनियों से कंपेयर भी करेंगे कि क्या अन्य कंपनियां जो कमीशन देती हैं लगभग उसका डबल कमीशन जंबो टेक्नोलॉजी कैसे दे रही है। जंबो टेक्नोलॉजी ज़्यादा कमीशन दे रही है तो क्यों दे रही है, और कंपनियाँ कमीशन अगर इतना कम दे रही हैं तो आखिर इतना कम क्यों दे रही हैं। दोनों के बीच में अगर देखा जाए तो डबल का आंकड़ा है। तो साथियों, इस चीज़ को ज़रूर जानें। आप बेशक जिसकी आईडी चला रहे हैं उसी की आईडी चलाएं, लेकिन जानकारी आपके पास रहेगी तो कहीं बात करने में आपको आसानी होगी, या अपने सेल्स एग्जीक्यूटिव या जिस कंपनी से आप काम कर रहे हैं उस कंपनी के लोगों से अपनी बात को आप कह सकते हैं। क्योंकि साथियों, हम लोग जो भी रिटेलर हैं वह पैसा कमाने के लिए ही काम करते हैं, प्लस सर्विस उनकी अच्छी होनी चाहिए। साथियों, हम जंबो टेक्नोलॉजी में एक दो सर्विस की बात नहीं करते हैं, मैक्सिमम ऑल ओवर जो भी सर्विसेज हैं सारे सर्विसेज में अन्य कंपनियों के अपेक्षा कमीशन जंबो टेक्नोलॉजी का आपको बेहतर मिलेगा, साथ में सपोर्ट भी बहुत अच्छा मिलेगा। तो देखिए, मैं आपको एक लाइव दिखाता हूँ पहले जंबो टेक्नोलॉजी का कि वास्तव में जंबो टेक्नोलॉजी जो चार्ट में दिया गया है वो कमीशन मिलता है कि नहीं मिलता है। चूँकि APS से जो है, आप देखिए, 100 रुपये अगर निकालते हैं तो 0.35% के हिसाब से 32 पैसा मिलता है, जबकि लगभग मैक्सिमम अन्य जो भी कंपनियां हैं किसी में 100 रुपये निकालने पर कोई कमीशन मिलता ही नहीं है। तो यहां पर देखिए, एक बड़ी बात है कि अन्य कंपनियों में कमीशन आपको मिल ही नहीं रहा है और यहां पर आपको कमीशन मिल रहा है। 200 रुपये निकालते हैं तो कई कमीशन 32 पैसा की जगह 64 पैसा हो जाता है। तो इस तरह से जो है 0.32% आपको जुड़ता रहता है, और कंपनियों में एक अलग टाइप का स्लेब होता है कि 500 निकालेंगे तो इतना, 10,000 निकालेंगे तो इतना, 200 निकालेंगे इतना। इसमें ऐसा नहीं है, 0.30% के हिसाब से आपका कमीशन बढ़ता जाएगा। जैसे 500 निकाले तो 1.60 रुपये, 1,000 निकाले तो 3.20 रुपये, 2,000 निकाले तो 6.40 रुपये, 3,000 निकाले तो 9.60 रुपये, 4,000 निकाले तो आपको 12.80 रुपये, 5,000 निकाले तो 16 रुपये। साथ में ही जो है ATM से अगर निकासी करते हैं तो ATM का भी कमीशन जंबो टेक्नोलॉजी का बहुत ही बेहतर है अन्य कंपनियों की अपेक्षा। 100 रुपये निकासी पर 0.35% के हिसाब से जो है 30 पैसा आपको मिल जाएगा, वहीं 200 निकालते हैं तो 60 पैसा, 300 निकालते हैं तो 90 पैसा। लेकिन चार्ट में मैंने देखिए 500 भी लिखा हुआ है, 500 निकालते हैं तो 1.50 रुपये, 1,000 निकालते हैं तो 3 रुपया। उस तरह से आप अगर 5,000 निकालते हैं तो भी 15 रुपया, 10,000 निकालते हैं तो भी आपको 15 रुपया मिलता है। साथ में ही मैं अपना ID लॉगिन करके आपको दिखा रहा हूँ कि कमीशन वास्तव में जंबो टेक्नोलॉजी उतना दे रही नहीं रही है। उसके बाद मैं पोर्टल लॉगिन करके आपको दिखा रहा हूँ। इसके बाद देखिए जो है, मैंने अपना एक पोर्टल डिस्ट्रीब्यूटर पोर्टल में लॉगिन कर रहा हूँ। लॉगिन करके देखिए, मैं दिखा रहा हूँ आपको कि वास्तव में मुझे कमीशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। क्योंकि अगर कमीशन ही नहीं मिलेगा तो हमको काम करने से फ़ायदा क्या, कोई भी कंपनी का काम हम करते हों चाहे आप करते हों। दूसरी, इस पोर्टल की सबसे खास बात यह है कि लो सर्वर पर, लो नेटवर्क पर भी अच्छा वर्क करती है, ऐसा ऐसे डिज़ाइन किया गया है। अब देखिए जो है यहाँ पर, ये तो हमारा कमीशन दिखा रहा है यहाँ पर। अब मैं चल रहा हूँ लेजर में, देखिए मैं लेजर में गया और यहाँ पर कमीशन लेजर पर मैं क्लिक कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर दिख जाएगा कि हमारी टीम जो भी काम कर रही है वो कितना पैसा निकाली है, कितना कमीशन टीम को मिला है और कितना कमीशन हमको मिला है। दोनों चीज़ें आपको यहाँ पर दिख जाएंगे कि डिस्ट्रीब्यूटर ID लेते हैं तो डिस्ट्रीब्यूटर को कितना मिलता है और रिटेलर को कितना मिल रहा है। अब देखिए यहाँ पर जो है, आपके सामने मैंने पोर्टल खोल दिया है। अब लेजर में देखिए आज की है, देखिए उन्होंने 680 रुपये का रिचार्ज किया हुआ, देखिए यहाँ पर रिचार्ज लिखा हुआ है 680 रुपये में। देखिए 22 रुपया 10 पैसा ये मिला है देखिए रिटेलर को, जिन्होंने ये पैसा रिचार्ज किया हुआ है। साथ में देखिए मुझे भी कमीशन मिला है 2 रुपया 21 पैसा। तो इस तरह से देखिए कितना बेहतर ऑप्शंस जो है आपके सामने दिख रहा है। उसके अलावा देख लीजिए सेटलमेंट मिनी स्टेटमेंट किसी का देखिए इन्होंने निकाला हुआ है, मिनी स्टेटमेंट का देखिए 1 रुपया इनको मिला हुआ है और 12 पैसा हमको मिला हुआ है। इसके अलावा और आगे चलते हैं दूसरे सर्विस को देखिए। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है प्राइम APS, यानी आधार से पैसा निकाला गया है, इन्होंने देखिए 110 रुपये पैसा निकाला हुआ है, इनको मिला हुआ है 3 रुपया 32 पैसा। और देखिए वहीं हम डिस्ट्रीब्यूटर हैं, हमको भी मिला हुआ है 38 पैसा।
इसके बाद फिर देखिए मिनी स्टेटमेंट है, आगे नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। देखिए रिचार्ज किया गया 125 रुपये का, इनको मिला 3.75 रुपये और हमको मिला हुआ है 62 रुपये। अब आप साथ में देखिए यहाँ पर मैंने बताया, अब देखिए मैं दो नंबर पेज पर चल रहा हूँ, दो नंबर पेज में देखिए क्या क्या वर्क हुए हैं। देखिए यहाँ पर जो है प्राइम एपीएस 3030 का किया गया है, देखिए इनको 9.64 रुपये मिला हुआ है और हमको देखिए मिला है 1.16 रुपये। अब इस चीज़ को मैं जो है रिटेलर आईडी खोल करके मैं दिखा रहा हूँ कि रिटेलर आईडी में भी वास्तव में कमीशन उनको मिला है कि नहीं मिला है, क्योंकि अब तक मैंने अपनी आईडी खोल कर दिखाया आपको। अब देखिए मैं अपनी आईडी, इस आईडी को मैं देखिए लॉगआउट कर रहा हूँ, देखिए मैंने लॉगआउट कर दिया। और देखिए मैं दूसरी आईडी लॉगिन कर रहा हूँ जो जम्बो टेक्नोलॉजी का रिटेलर आईडी है। देखिए हमारी ये रिटेलर आईडी खुल गई। अब इसमें आप देख लीजिए कि जो हम लोग काम करते हैं वो यहाँ बैलेंस दिखाता है एपीएस का, नीचे दिखाता है एटीएम से, जो कमीशन होता है उसके बगल में दिखाता है। देखिए 172 रुपये कमीशन मिला हुआ है क्योंकि वर्क करते हैं। इसके अलावा देखिए हम यहाँ सर्विस पर जाते हैं और एपीएस पर देखिए क्लिक करते हैं तो यहाँ देखिए प्राइम एपीएस, आधार पे और मिनी स्टेटमेंट, तीन चीज़ें हैं। प्राइम एपीएस से जो पैसा निकालते हैं आपको कमीशन मिलता है, लेकिन लिमिट किसी की पूरा हो जाती है। जब उदाहरण के तौर पर किसी ने 10,000 रुपये निकाला, उसकी लिमिट पूरा हो गई, उनको 10,000 और चाहिए, तो आधार पे से भी पैसा निकल जाता है, लेकिन ये चार्जेबल होता है। देखिए आधार पे से जो भी पैसा निकलते हैं उसी चीज़ हमको यहाँ पर शो होती रहती हैं कि हमने कितने का आज ट्रांजेक्शन कर दिया। ये चीज़ें और सारी कंपनियों में आपको, बहुत सारी कंपनियों में नहीं मिलती हैं। देखिए आज हमने जो है रविवार का दिन है, 16,200 रुपया देखिए अब तक मैंने आज पैसा निकाला हुआ है, जिसको हमको रजिस्टर्ड मेंटेन करने में काफ़ी आसानी हो जाती है कि शाम तक देख लेते हैं कितना हमने पैसा निकाला। अब देखिए यहाँ पर जो है ये विड्रॉल मैंने किया हुआ 1,000 रुपये का, देखिए सक्सेसफुल है। और देखिए किसी कारण से किसी का देखिए फेल हो गया, तो फेल क्यों हुआ है, कस्टमर आधार नंबर नॉट लिंकेड, इस टाइप से रीज़न भी लिख देता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमको किसी कारण से हमने प्रिंट आउट नहीं मार पाया, नहीं देख पाया, तो दोबारा अगर हम क्लिक करते हैं इस चीज़ पर तो हमको रीप्रिंट रिसिप्ट जो है मिल जाती है, जबकि अन्य कंपनियों में शायद ऐसी व्यवस्था नहीं है कि आप दोबारा प्रिंट आउट मार पाए, आपको लेजर ही चेक करना होता है। लेकिन यहाँ दोबारा भी हम रसीद ग्राहक को दे सकते हैं, देखिए रसीद दोबारा निकल गई, कितना इनका बैलेंस था, कितना इनका अमाउंट है, क्योंकि ये कस्टमर के लिए है, सबके लिए नहीं है, तो व्यवस्थाएँ बेहतर हैं। अब मैं चल रहा हूँ कमीशन दिखा रहा हूँ आपको, कमीशन के लिए जो है ट्रांजेक्शन रिपोर्ट पर चलते हैं, लेजर पर चलते हैं, कमीशन लेजर। अब देखिए मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया, अब देखिए यहाँ पर जो है मैंने देखिए खुद का जो मेरा जो मेरे नाम से जो आईडी है रिटेलर, देखिए मेरा नाम बाल्मीक सिंह है और मेरी खुद की रिटेलर आईडी है। देखिए मैंने जो है 10,000 रुपये निकाला हुआ प्राइम एपीएस से, देखिए मुझे 3.20 रुपये कमीशन मिला हुआ है। उसके बाद देखिए मैंने 2,000 निकाला हुआ है, 6.40 रुपये मिला हुआ है। फिर 1,000 निकाला, 3.20 रुपये, देखिए यहाँ 5,500 रुपये निकाला गया है, यहाँ देखिए मिला हुआ हमको 16 रुपया, यानी देखिए अधिकतम 16 रुपये कमीशन कंपनी देती भी है। तो साथियों अगर आप अन्य किसी भी कंपनी का काम कर रहे हैं, आईडी चला रहे हैं, तो उस कंपनी में कितना कमीशन मिलता है आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, और ये कंपनी रेगुलर चल रही है, आज से नहीं, 2016 से कंपनी चल रही है और पिछले 3 सालों से मैं रेगुलर इसमें वर्क कर रहा हूँ। मेरे पास काफ़ी संख्या में टीम है, काफ़ी बड़ी टीम है। अगर आप हमारी टीम देखना चाहते हैं तो देखिए मैं लॉगआउट करके मैं अपनी टीम दिखा देता हूं, कि आप लोग ये ना सोचें कि जो है इसका काम अच्छा नहीं है या प्लेटफार्म अच्छा नहीं है या इसमें काम करने में कोई परेशानी होती है। देखिए विश्वास के तौर पर मैं दोबारा अपनी डिस्ट्रीब्यूटर आईडी लॉगिन करता हूँ। और देखिए मैं यहाँ पर जो है ट्रांजेक्शन जो भी पिन है पिन डाल रहा हूँ और मैं लॉगिन करके दिखा रहा हूँ आपको कि वास्तव में जम्बो टेक्नोलॉजी में कितने सारे लोग वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि देखिए हम चलते हैं यहाँ पर यूजर्स पर, जो हमारे यूजर हैं जो काम कर रहे हैं। अब देखिए हम यहाँ पर आते हैं, देखिए हमने यहाँ पर सबमिट कर दिया।
अब देखिए यहाँ पर 10 की जगह मैं 100 कर दे रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर ये दो देखिए वर्क कर रहे हैं, देखिए और एक्टिव भी हैं, संख्या आप देख सकते हैं आपके सामने है। देखिए जो लोग वर्क नहीं कर रहे हैं देखिए इस तरह से उनका रेड निशान होता है, किसी भी कारण से, चाहे उनको कंपनी पर विश्वास ना हो या फिर किसी और कंपनी का काम कर रहे हों या काम करना छोड़ दिए हों। तो जिनका ट्रांजेक्शन नहीं होता है उनका देखिए रेड रहता है लास्ट में। अब देखिए इस तरह से जो है आप इन चीज़ों को देख सकते हैं। अब देखिए हम पेज नंबर 2 पर चलते हैं, 2 नंबर भी पेज आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी देखिए इस तरह से आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। तो साथियों अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और अपने मित्रों में शेयर भी करिएगा। अगर आपको आईडी लेनी है जंबो टेक्नोलॉजी की तो आईडी आपको जंबो टेक्नोलॉजी की 1000 रुपये की है और डिस्ट्रीब्यूटर आईडी इसकी 2500 रुपये की है।